कोई काम का नहीं रहता, किसी को देते भी नहीं है। जैसे लगता है कि उसका गठरी जब हम जाने लगेंगे संसार से, तो एक दो ठो गाड़ी रिजर्व आएगी, ये सबको भी ला दो। तो इसलिए जो अपने काम का चीज नहीं है, दूसरों में वितरण करना चाहिए। बहुत माता को देखते हैं कि 100-100 साड़ी है, एक साड़ी का कभी नंबर आएगा कि नहीं आएगा कहना मुश्किल है। उसको कौन पहनता है, इतना धन लगा सब कुछ लगा पहनता है पेटी। तो उसको वितरण कर देना चाहिए। हम नया कंबल खरीदते हैं लेकिन पुराना कंबल तो हमारे पास रहता है, तो नीचे स्तर के लोग हैं उसमें जाके वितरण कर दे। रात में निकले बाइक से, फोर व्हीलर से, साइकिल से, पैदल के से, कि कौन देखे चौराहे पे ठंड से सिकुड़ रहा है, उसको उड़ा के आ जाए। धर्म तो बहुत प्रकार से हो सकता है, लेकिन हम करना चाहें तब तो। हम तो अहम में बैठे हैं, हम मैं का हमको आपको चक्कर है। आई का मतलब होता है मैं, आयु का मतलब होता है आप। जब समर्पण कर दे कि मेरा कुछ नहीं, मेरी आपके कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा।
उनकी कृपा समझना है। तब कहते हैं कि ये दो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके पास में ऐसा ही भाषा बोलना चाहिए जो वो समझे। अब गांव के आदमी पढ़े लिखे उससे पूछते व्हाट इज योर नेम, तो वो बेचारा क्या समझे। तो कहता है कि वो भी एक पाप है, वो जो भाषा समझता हो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उसी भाषा में बात करो तो उसके आनंद आएगा, तो तुम्हें पुण्य होगा। हर जगह ज्ञान ही ज्ञान है। अब संस्कृत में बात करते हैं, यहां खाली मूल पाठ संस्कृत में हो तो कथा कोई सुन पाएंगे समझ पाएंगे। 60% लोग समझेंगे, 40% नहीं समझेंगे, तो कथा क्या होगी। इसमें तो नहीं जाएगी, ऊपर से बात जाएगी। तो कहता है कि जिस भाषा में जो समझे उस भाषा में बात करो, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए जो भाषा सरल हो वही क्या है। कश्मीर में कश्मीरी पंडित का बहुत नाम था, कश्मीर में बहुत विद्वान पंडित हुआ करते थे, लेकिन हमारे पूर्वजों के कारण वो भी झमेला में पड़ा का पड़ा ही रहा। बनारस के भी कहीं कुछ निर्णय होता था तो बनारस के भी पंडित विद्वान होते हैं, ये बाबा का मोहर लगा हुआ है, बाबा विश्वनाथ का, वहां साक्षात सरस्वती बात करती है, वहां थोड़ा कर्म करने से बाबा उसको धक्का दे के आगे कर देते हैं, इसमें कहीं भी संशय नहीं है। जो वहां एक तो सबको रखते नहीं है, वहां एक कोतवाली ऐसा है वहां का जो है चौकीदार भैरव बाबा, और एक कोतवाली थाना है वहां, जिस थाने पे आपको थाना प्रभारी नहीं बैठते हैं, सीओ नहीं बैठते हैं, अभी भी वो घूमने वाला चेयर है और उस पर टॉवेल रखा रहता है, लोग इधर बैठते हैं, कितने बड़े अधिकारी इधर बैठते हैं, वो चेयर खाली रहता है काशी के कोतवाल के लिए। ये हमारा सनातन धर्म का विश्वास है कि काशी को वही चलाते हैं, और काशी रहना रहता है तो उन्हीं से अनुमति लिया जाता है, जिलाधिकारी कोई भी आते हैं तो वहां का महात्मा जान के पहले उनका दर्शन करने आते हैं, नहीं तो 3 महीना में कोई ना कोई आरोप लगा के फिर वापस। ये सनातन धर्म है, ये सब विश्वास का चीज है, जो जितना विश्वास से चलता है उतना ही आनंद रहता है। और कहते हैं सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम प्रियम प्रियम च निर्णात बुरियात, ऐसा धर्म है सनातन है, हमेशा सत्य बोलो, लेकिन मेरा सत्य किसी को अप्रिय न हो। ध्यान में मैं मार्ग के किनारे बैठकर माला जप कर रहा हूँ, अब मेरे सामने से कोई गाय निकल कर गई और तलवार लेकर उसके पीछे कोई कसाई अगर जा रहा है तो हमारा काम क्या है, माला जपना नहीं, उसे बचा देना, वही धर्म है, वही हमारा संस्कृति है। अगर उस के विषय में पूछे कि गाय किधर गई तो वहां धर्म की रक्षा है, अब वो तलवार लेके गया है किधर से गाय गई किधर गई, तो वहां हम झूठ बोल सकते हैं, वो पाप नहीं है। किसी की हत्या हो रही हो उसको बचाने में अगर हमें झूठ भी बोलना पड़े तो वो पाप नहीं लगता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सत्यम प्रिया
हमेशा सत्य बोलो, लेकिन सत्य किसी को अप्रिय नहीं हो। ध्यान दे, मार्ग के किनारे बैठने वाला जब करता, मेरे सामने से कोई गाय निकल कर गई और तलवार उसके पीछे से, कसाई उसको मारने आ रहा है, उसने आकर पूछा, अपने इधर से गाय को जाते देख। अगर वो सत्य बोल देता है तो उसको माता की हत्या हो जाएगी। तो कहता है ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणा, कहते हैं कि हमारा जो पांचवा गुरु अग्नि वो गुरु बनाकर मैंने जाना। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणा, संत को ज्ञानवान तो होना ही चाहिए। ज्ञान संपन्न संत ही समाज का कल्याण करता है। जिसे स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं है वे दूसरे को कल्याण कैसे कर सकता है। ज्ञान रूपी संत से हमारा आपका ही संगति होना चाहिए। और छठा गुरु मैंने चंद्रमा को गुरु बनाकर मैंने बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त की। क्या दत्तात्रेय जी यदु से कह रहे हैं कि प्रतिपदा के दिन चंद्रमा छोटा होता है, दूज तो छोटा थोड़ा बड़ा, फिर तीज को थोड़ा बड़ा, पूर्णिमा आते आते चंद्रमा आकार पूरा गोल हो जाता है। लेकिन वस्तु स्थिति है कि चंद्रमा न कभी छोटा होता है न कभी बड़ा होता है। उसकी काला छोटी होती है और कला ही बड़ी होती है। ऐसे ही हमारा शरीर जन्म लेता है और छोटा होता है, क्योंकि नात्मा जना नाम न मर्षति न गेते शिनः सर्वत्र शब्दान प्रयातो विद्धा मात्र प्राणेव यतेन्द्रिय बालेन विकल्पितं सदा। आत्मा न जन्म लेती है न उसकी मृत्यु होती है, ये चंद्रमा से सीखा जाता है। आत्मा अजर है, अमर है, अनजन्मा है, वो तो हमारे शरीर को छोड़ के चली जाती है। जब तक हमारे शरीर में है तो इस शरीर में सुगंध है। लोग हमको आपको पूछते हैं कि हमारे यहाँ भागवत कथा है, हमारे यहाँ राम पाठ रामायण पाठ है, हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा है, हमारे बिटिया का शादी है, हमारे 3 बजे पुत्र का बारात जाना है। कब तक? जब तक परमात्मा भीतर में है तब तक। परमात्मा है तो पूछ है, अब परमात्मा निकल गए तो पूछ नहीं है। व्यवस्था करो, परमात्मा निकल गए तो शरीर में दुर्गंध आ जाएगा, इसलिए जल्दी निकालो। राम नाम सत्य है। 364 दिन का राम का नाम झूठा है और उसी दिन सत्य है। राम का नाम सब दिन सत्य है। हमको आपको लेना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। परमात्मा सर्वव्यापक है, सभी जगह रहते हैं। जब हमारे शरीर में हमारे साथ हैं वो निकल जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो आस्तिक आदमी है, भगवान का नाम नहीं लेता। सब लेता है, भगवान ही उसके साथ में है। कहां उसका डेथ डोटी जाते समय कि रावण रावण सत्य है, रावण रावण सत्य है, ऐसा कहते लोग जाते हैं क्या? जब उसके पीछे भी राम नाम सत्य है कहते लोग जानते हैं, तो जानिए कोई आस्तिक नहीं है, लेकिन भीतर के कुंडली को नहीं जगाया। जिस दिन भीतर के कुंडली को जगा लेगा, कुमति भरा हुआ है सुमति को भरना पड़ेगा। तो कब? बिनु सत्संग विवेक न हो ही। आइए बीए एमए पीएचडी का कुछ भी डिग्री पाला है, लेकिन परम ज्ञान परमात्मा से लिंकअप होने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। हरि नर्तन मिला है तुझे, अरे खो क्यों रहा है प्यारे खेल में, भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, ओ भजले प्राणी रे अज्ञानी, भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया।
सूर्य को बनाया तो संत को ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरा भक्त है और ये मेरा भक्त नहीं है। उसको ज्ञान का गंगा बहाते रहना चाहिए। उस ज्ञान के गंगा में दुष्ट भी क्यों ना आ जाए, उनको भी देना चाहिए। ये सूर्य से सीखना चाहिए। जहां कूड़ा खाना है सूर्य तो वहां भी जाता है, मंदिर के शिखर पे भी जाता है, खिड़की खुला है तो कमरे में भी जाता है। तो ये ज्ञान हमको सूर्य से लेना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। आठवां, हमने कबूतर को गुरु बनाया। ओम कपोतर कपोत कस्तरणाये कीर्तनेरो वनस्पतो कपोत्या भार्या साधर्मवा कतचितस्तमः। एक दिन कबूतर अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ बड़ा आनंद से रहता था। एक दिन अपने बच्चों को छोड़कर कबूतर अपनी पत्नी के साथ जंगल में चूगा चुनने के लिए चला गया। पीछे से आया और एक बहेलिया, उसने अन्न के दाने को नीचे जमीन पर डाले। कबूतर के बच्चे दाना चुगने लगे। नीचे आए और बहेलिया ने उसको जाल में फंसा लिया। कबूतर ने आके रोने लगी, मेरे बच्चे फंस गए, क्या करूं। वो भी जाल में फंस गई। कबूतर ने देखा कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सब जाल में फंस गए, मैं क्या करूं। इसके बिना वो भी जाकर जाल में फंस गए। दोनों तो चले गए थे जंगल, बच्चे को छोड़ के। बच्चा आ गया, बहेलिया के जाल में फंस गया
और माँ तो ममता मई होती है, माँ देखकर के हमारा पुत्र तो फंस गया है, हम तो निकाल नहीं सकते हैं, वो भी छा के फंस गए, क्योंकि माँ की ममता होती है। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। हम रुक जाएं अगर मां मना ले आए न होती
और उधर से दो चार फोल्डिंग ला दीजिए। वहाँ कूलर के पास भी चार चेयर रखा हुआ है, वो कूलर अगर नीचे हो जाए तो चार चेयर हो जाएगा। वहाँ सोफा भी रखा हुआ है उस कमरे में, और एक्स्ट्रा चेयर भी है। अब कहते हैं कि माँ ऐसे दयालु होती है कि माँ पेट देखती है। कहीं से जब पुत्र आता है तो माँ पूछती है कि बेटा खा लो, और पत्नी क्या देखती है, पैकेट कुछ ले ले बड़ों के नहीं। तो माँ ममता मई होती है, और कबूतर को इसलिए मैंने गुरु बनाया। एवं कटोम्ब सात माँ दुरारम पते उष्ण है कुटुंबा नाम कृपण शान बंधो वसीरती। गृहस्थ के पति अगर आत्मसम संत करेगा तो कबूतर की तरह मोह के जाल में फंस जाए। संत को मोह नहीं करना चाहिए। और नौमा गुरु अजगर को बनाए। अजगर करहि न चाकरी पंचे करहि न काम, दास मलो का यह कहे सब के दाता। सबका दाता राम है। अजगर अभी किसी की नौकरी नहीं करना पड़ता। मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो बहुत अच्छा। और ऐसे ही संत को कभी किसी की चाकरी नहीं करना चाहिए, चाहे उनका जो है छोटा रहे बड़ा रहे कोई भी रहे, उसको एक सामान देखना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इधर से कुछ लोग निकलते हैं, मुझे भरोसा करते हैं तो दो चार दिन का भोजन एक साथ ही करा लेते हैं, कभी कोई नहीं करता। दो चार महीने भूखे ही पड़ा रहता है, लेकिन मांगे किसी से नहीं। इसलिए ये एक गुरु अजगर को बनाया। दसवां महीने सागर को गुरु बनाया। समुद्र से सीखा कि संत को गंभीर होना चाहिए। यदि गंभीरता जीवन में नहीं आएगी तो समाज का कल्याण नहीं होगा। गंभीर रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। यदु ने कहा कि एक बात और पूछो, आप अकेले क्यों रहते हैं और विवाह नहीं किया आपने? दत्तात्रेय ने कहा कि संत को स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए, ऐसा भागवत में लिखा है। दृष्ट्वा स्त्रियं देव माया तद्भरावेन जितेन्द्रियः प्रलोभिता पतत्यन्धे तस्मिन्नोपतङ्गवत। स्त्री को देव माया समझें, जो देवताओं की माया है, इसलिए स्त्री को प्रणाम करें। उनके प्रति अगर कोई बुरा दृष्टि भी आ जाए, नयन दोष भी हो जाता है, तो उनके चरण को देखें तो श्रद्धा आ जाए। कहते हैं कि मैंने 11वां गुरु पतंग को बनाया। ये इतने गुरु का इसलिए व्याख्या हो रहा है कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, और 2400 गुरु हमारा आज सत्संग के महात्म्य सातम सप्तम दिवस के भक्ता भागवत प्रायण में आता है। पतंग को मैंने अपना गुरु बनाया। बरसात के दिन में जहां भी हम अग्नि जलाएं, पतंग आकर अग्नि को मंडराने लगते हैं, और मंडराते मंडराते पतंगे जलकर राख हो जाते हैं, पर उन्हें कुछ मिलता नहीं। जब देखेंगे बरसात हो और आग आप जलाइए, ये जो पतंगे होते हैं ये उड़ के उस अग्नि में चले जाते हैं। वो स्वयं अपना रास्ता बनाता है। मैंने पतंग को गुरु बनाना सीखा। 12वां महीने भौरे को गुरु बनाया। एक ही नहीं राजन, दो शिक्षा प्राप्त की है ब्रह्म भौरे से। आपने देखा होगा कि भौरों को फूलों पर बैठकर उसके रस को चूसता है, और रस चूस लेता है, फूल की गंदगी को नहीं लेता। आप किसी सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, प्रवचन में जाएं, वहां से अच्छाई को लेके चले आवे।
ये बात भौरों से मैंने सीखा है। दूसरी बात क्या सीखी कि तारीख मत बदलो, हम तारीख बड़ी बदलते हैं, जैसे भौरों ने तारीख नहीं बदलती। आपने देखा होगा भौरा लकड़ी में बंद हो जाता है और घूं-घूं भीतर से आवाज करता है, और हम आप सोचते हैं कहां से ये आवाज आती है, और बल्ली में छेद कर बाहर निकल आता है। वही भौरा उड़ते उड़ते यदि कमल के फूलों पर बैठ जाए और कमल में यदि बंद हो जाए तो उसे नहीं तोड़ पाता। कहते हैं कि एक भौरा कमल के फूल पर जाकर बैठे और वो फूल का ये बंद हो जाए कली, वो उसे नहीं निकल पाता, लेकिन लकड़ी में छेदा करके वो निकल जाता है। तो इतने कोमलता, वो कठोर को काटता है, कोमल को नहीं काट पाता है, तो जीवन में कोमल बनता है, कठोर नहीं बनता है। ममता रहना चाहिए भीतर में, क्षमा भाव होना चाहिए भीतर में। और कहते हैं कि ये इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, दो ये वातन को याद रख जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्रेय भगवान। सत्य क्या है? भगवान का नाम और मृत्यु, और कुछ सत्य नहीं है। अपने लड़के का विवाह कराएंगे, बहू सत्य है क्या? वो जीवन भर रहेगी क्या? वो जीवन भर रहेगी क्या? वो बीचों में हो सके तलाक देके चले जाए? तो सत्य प्रभु का नाम है और सत्य मृत्यु है, ये बात मैंने सीखा है। अब कहते हैं कि तेरवा मधुमक्खी को गुरु बनाना सीखा। संतों को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी सब कुछ संग्रह करके लाती है, लेकिन लास्ट में मधु निकालने वाले उसको नाना प्रकार से उड़ा के मधु को निकाल लेते हैं। और कहते हैं कि ये जो है कर पात्र उदार झोली, ये हाथ मेरा पात्र है और पेट ही मेरा बर्तन है, हाथ में लेता हूं और पेट में डाल देता हूं। चाह गई चिंता नसी मानवा बे परवाह, जिसको कुछ न चाहिए सो ही शहनशाह। जिसको जो है उसी में मस्त है, संतोषम परम धनम, संतोष से बढ़ के कोई धन ही नहीं है। एक बार पश्चिम के राजा पूरब के राजा पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो एक महात्मा थे, वो रास्ते में देखे कि एक कौड़ी गिरा है। उस कौड़ी को उन्होंने अपने कमंडल में रख लिया, तो अगल बगल के दुकान पूछे कि महात्मा जी आपको कौड़ी का क्या जरूरत? कौड़ी भी चलता था पहले, कौड़ी का क्या जरूरत, आप तो साधु संत हैं। तो बोला बेटा समय आने से काम सब कुछ दे देता है, जमीन में पड़ा है तो हमारा कमंडल में भी ये तो खड़ा ही रहेगा। तो पश्चिम के राजा पूरब के राजा पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, साधु बाबा वहीं से जा रहे। उधर से जो राजा का हाथी घोड़ा सब आ रहा था, तो उनके जो सैनिक लोग थे, बाबा साइड हो। बोला भैया क्या चीज का साइड है? बोला अरे नहीं जानते हैं, पश्चिम का राजा आ रहा है पूरब के राजा पे चढ़ाई करने के लिए। तो बोला भैया साइड तो हम जाएंगे, तुम साइड होके बता दो क्यों चढ़ाई करने। बोला कि पूरब का राजा थोड़ा कमजोर पड़ गया है, ये जा रहा है उस पर चढ़ाई करेगा और उसका धन लेगा। बोला धन लेके क्या करेगा? बोला सब कुछ करेगा, उड़ाएगा और क्या करेगा। तो बोला अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो इसके मन में हो गया कि इससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है,
अब महात्मा को हटा रहा है, हट नहीं रहा है। असाधु संत के लोग ज्यादा जोर जबरदस्ती भी नहीं करते हैं, कहाँ कल्याण लिखा है कहना मुश्किल है। आके राजा का रथ खड़ा हो, रथ जैसे ही खड़ा हुआ वो रथ से उतरा, यहां महात्मा बताइए क्या बात है। तो बोला आप कहाँ जा रहे हैं? बोला कि हम जो है पूरब के राजा पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो चढ़ाई करके क्या करोगे? तो बोला वहां का खजाना तो लूटेंगे लेंगे, उस खजाने से क्या करोगे? आनंद करेंगे, अपने तिजोरी में रखेंगे, फिर दूसरे राजा पे चढ़ाई करेंगे। बोला ठीक है, हाथ निकालना। तो राजा सोचा कि भाई साधु है, क्या कल्याण लिखा है कहना मुश्किल नहीं है। हाथ निकाला और कमंडल से वो कौड़ी निकाल के दे दिया। बोला कि हम तो दरिद्र को खोज रहे थे, लेकिन तुमसे बड़ा दरिद्र कोई नहीं मिला, क्योंकि तुम राजा हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, पर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। इसलिए संतोषम परम धनम, संतोष से बढ़ के कोई धन ही नहीं है। उसके बाद चौदवा, हिरण को गुरु बनाकर मैंने एक नहीं दो नहीं तीन शिक्षा प्राप्त। हिरण से पहली शिक्षा ये प्राप्त की कि संत को न तो कभी ग्राम में गीता गान चाहिए, न ग्राम में गीता सुनाना चाहिए। ग्राम गीता का मतलब नायक और नायिका का श्रृंगार जिससे वर्णन है, ऐसे गीत कभी नहीं सुनाना चाहिए। संत को ऐसा सुनाना नहीं चाहिए ग्राम गांव में, गीत का मतलब फिल्मी गीत, ऐसा गीत जो लोगों पे प्रभाव डाल दे। संत को भजन करना चाहिए, ये नहीं कि हम तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या दिवा दीदी तेरा देवर दिवा, उसको राधे राधे छोड़ के कुछ जपना नहीं है, भगवान का नाम ही जपना है। ये मैंने सीखा। और तो सोच ले मन में कृष्ण है तेरे तन में, है सब जग भगवान क्यों ढूंढता है बन में। भगवान तो सब जगह है, लेकिन तुम बन में ढूंढता है। मंदिर जाने का फुर्सत नहीं हो तो आपके रसोई में भगवान है, लेकिन हम आप इधर उधर देखते हैं जाते हैं, वो भी फुर्सत नहीं मिले तो अपने घर में ही। परमात्मा को खोजने के लिए वन में भागते हैं, जरूरत क्या? अपनी आंखों को बंद कीजिए, मन की वृत्तियों को एकाग्रचित कीजिए, अंतर हृदय से उनका दर्शन कीजिए, मिल लीजिए। जब दोनों आंख को 15 मिनट हम आप ध्यान करेंगे, एक दो मिनट में नहीं होगा, 5 मिनट तो इधर उधर ही भटकता है, पता नहीं टिकुआ के पप्पा तो ऑफिस के बाहर के दरवाजा बंद भइल कि नहीं, हम पूजा करते कोई कुछ ले जाइए। 5 मिनट इधर उधर भटकेगा, फिर छठा से लेके 10वां तक कि पूजा करके भोजन बनाना है, बच्चा स्कूल से आवत हो। 11 से 15 मिनट तक केंद्रित होता है दोनों आंख बंद करके, तब जिस भगवान का ध्यान करते हैं तो यहां से वो भगवान आपको जिस रूप में देखना चाहते हैं मिल जाए। और इसका भीतर का वास हो जाएगा उस 15 मिनट में, परम शांति मिलेगी, बाल में मेहंदी नहीं लगाना पड़ेगा, बाल का पकेगा ही नहीं, क्योंकि रोज 15 मिनट ध्यान करके उसको फ्रेश कर ले। यहाँ तो बहुत चिंता रहती है तो बाल पक जाता है, भगवान का चिंतन करेंगे तो वो मेहंदी नहीं लगाना। उसके बाद जो है 15वां गुरु मैंने मछली को बनाया। कहते हैं कि मछली जो है जिह्यति प्रमात्या जंतो रस विमोहित, मछली पकड़ में आ जाती है क्योंकि उसको चारा डाल दिया जाता है और चारे के चक्कर में आके वो फंस जाती है।
तो चारे के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई कुछ चारा डाल दे, हमको उसमें फंसना नहीं है। यदु महाराज कहते हैं, भगवान कभी तो आपके मन में किसी बात की आकांक्षा होती हो। दत्तात्रेय जी कह बोले, मैंने वैश्या को भी गुरु बनाया। यदु आश्चर्य से पूछा, वैश्या को गुरु बनाया आपने? दत्तात्रेय मुस्कुरा कर बोले कि हाँ, जिससे मुझे शिक्षा मिली वही मेरी गुरु है। पिंगला नाम वैश्या सीध विदेह नगरे पुरा तस्या में शिक्षित किंचन गोधर। राजा जनक के नगरी में के किनारे एक वैश्या रहती थी जिसका नाम पिंगला था और परम सुंदरी थी। प्रातः उठकर नहा धोकर सुंदर श्रृंगार करके अपने कोठे के ऊपर में चली जाती थी और वो जो है वहां इंतजार करती थी 20-20 घंटे, लेकिन कोई आया नहीं। दूसरा दिन भी कोई नहीं आया, तीसरा दिन भी कोई नहीं आया, चौथा दिन भी कोई नहीं आया। ऐसे महीना बीत गया तो उसने तुरंत मन को निश्चय किया कि संसार के आशा को त्याग कर कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार पर से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। तो ये भगवान का नाम वो जो है पिंगला लेना शुरू कर दी और भवसागर से पार हो गए। पुष्पक विमान आया लेने के लिए। जब हम आप भगवान में लग जाते हैं तो आनंद ही आनंद रहता। एक मौलवी साहब कहे कि ये बताइए कि आप लोग भगवान के पास कैसे पहुंचते हैं। तो पूछे गए कि आप कैसे पहुंचते हैं ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों का तो पहले मोहम्मद साहब को मनाना पड़ता है। जब मोहम्मद साहब के पास को मनाते हैं तब हम अल्लाह तक जा पाते हैं। तो फिर वहीं एक ईसाई बैठा था, उससे पूछा गया कि आप गौर तक कैसे जाते हैं। तो कहा, हमें ईसा मसीह के माध्यम से जाना पड़ता है, लेकिन ये सनातन धर्म जो है, जो सदियों से आ रहा है,
यहाँ जाने के लिए परमात्मा के पास किसी इमीडिएटर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिंकअप है। यहाँ किसी इमीडिएटर की जरूरत नहीं है, यहाँ संपर्क करने वालों की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो सीधे गोविंद के चरणों में जोड़ता है कीर्तन के माध्यम से। तो ये इतना सुंदर धर्म जो सदियों से आ रही है, और कैसे भी डायरेक्ट में कैसे भी भाय को भाय अनख आलस हो नाम जपत मंगल दस हो। कितनी सुंदर सेवा है, भाव से गाओ, बिना श्रद्धा से गाओ, श्रद्धा से गाओ, कैसे भी नाम लो, कल्याण ही कल्याण है भगवान का नाम में कैसे भी, क्योंकि ये सदियों का है। अमेरिका में एक मीटिंग हुआ कि सबसे पुराना पुस्तक कौन है, सब अपना अपना वक्तव्य दिए, तो वहां देखा गया कि सबसे प्राचीन जो है धर्म ग्रंथ सनातन धर्म है, जिसे हिंदू धर्म भी कहते हैं, और उसका सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है, क्योंकि ये भारत है, यहाँ ज्ञान की गंगा बहती है, ज्ञान का सागर है, और यहाँ के लोगों को पहले लोग सोचते थे कि बुड़बक भारतीय है। स्वामी विवेकानंद को जीरो दे दिया गया है, और जीरो से हो गए हीरो। तो ये हमारा सनातन धर्म है। सुखदेव जी कहते हैं कि 17वां गुरु कुरर पक्षी से संग्रह करने न करने की शिक्षा ली, त्याग करते रहो। 8वां दत्तराय जी कहते हैं कि राजन मैंने एक बालक को अपना गुरु बनाया, बालक से भोलापन और निर्दोषता ग्रहण करने के लिए। बालक भोला होता है, निर्विकार होता है, उसमें भगवान का स्वरूप होता है, उसको छल प्रपंच नहीं रहता है। हम आप जब बड़े होते हैं तो छल प्रपंच डाल देते हैं, ये तुम्हारा पड़ोसी है, ये तुम्हारे साथ ऐसे किया था, तुम्हारे पिता के साथ ऐसे किया था, ये हुआ वैसे, लेकिन वो निर्विकार है। और बच्चे को मैंने गुरु बनाकर सीखा कि शरीर का ही अपमान होता है, शरीर का सम्मान होता है, आत्मा को नो अपमान होता है, नो सम्मान होता है। आत्मा तो अजर है, अमर है। उसके बाद 19वां गुरु दत्तात्रेय बोले महात्मा अकेले रहना चाहिए, शांत और सौम और अकेले रहना चाहिए। इसी प्रकार संत यदि यथा समूह में रहेंगे कभी न कभी कलह कलेश होने की संभावना रहती है, इसलिए महात्मा को अकेला रहना चाहिए, ज्यादातर कोशिश करना चाहिए मौन रहने। जब अग्नि का फेरा लगने लगे अपने मालिक के साथ में, तो उसी समय फेरे के बाद एक वचन और कह देना चाहिए कि देवी हमें अगर गुस्सा है तो तुम चुप रहना, और तुम्हें गुस्सा है तो हम थोड़ा मंदिर टहल के आ जाए। लेकिन होता ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल जीवन। सब कुछ माता बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जब कोई कह दे कि तुहर बाप का दे लख हमरा के, ये बर्दाश्त नहीं है। माँ बाप का बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। वो तो हमारी लक्ष्मी है, उसको तो दान ले आए हैं, वहां हमारा आपका इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। और जब गुस्सा हो तो माता को मौन और पिता को मंदिर, दोनों का राशि एक ही है, मौ और मौ, मौ से मंदिर, मौ से मौन। जब दोनों का राशि एक मिल जाएगा तो फिर आनंद ही आनंद होगा। तो इस तरह से आत्मा का अपमान नहीं होता है। 20वां गुरु सर्प को बनाया,
सीखा कि संत को अपने लिए कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए। सर्प अपना घर नहीं बनाता है, वो तो चूहे के घर में रहता है। तो इसी तरह संत को अपना घर नहीं बनाना चाहिए। 21वां, वृंद कीट को मैंने गुरु बनाया। वृंदी किसी भी कीड़े को लाकर अपने बिल में कैद कर देता है और कीड़ा वृंदी के भय से उसी का चिंतन करता रहता है। चिंतन करते करते स्वयं वृंद कीट बन जाता है। उससे मैंने शिक्षा प्राप्त की, लाले तेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाल हो देखन मैं गई आप हो गई लाल। जो राम नारायण गोविंद की उपासना करते हैं उनके चेहरे का सौम्यता, चेहरे पर तेज सद्गुण धीरे धीरे आने लगता है। कहने का तात्पर्य, परमात्मा की चिंतन करो, संसार का नहीं। 22वां, गुरु मैंने हाथी को बनाया। हाथी को मैंने अपना गुरु बनाया। अस्पर सुख की लालसा के कारण हाथी अपने जान गंवा देता है और साधक को चाहिए वो नारी का संग न करे, उसे स्पर्श न करे। 23वां, लोहार को गुरु बनाया। वह अपने काम में इतना मग्न था कि रास्ते में धूमधाम से किसी राजा की सवारी जा रही थी, लेकिन लोहार का ध्यान इधर उधर गया, उसे पता नहीं चला लौकिक कार्य में तन्मयता के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। वो सोचा इधर उधर देखा तो कहीं हमारे पुत्र के हाथ पे हथौड़ा न चला। सामने से बारात जा रही थी लेकिन वो नजर उठा के भी नहीं देखा। तो उस तरह से आराधना करना चाहिए। 24वां, अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया। ये तो बोले कि आपने शरीर से क्या सीखा। दत्तात्रेय बोले कि ये शरीर शिक्षा दे रहा है कि 5 मिनट पहले मैं जैसा था अब नहीं हूं, 2 मिनट पहले मैं जैसा था अब नहीं हूं, 10 मिनट पहले मैं जैसा था अब नहीं हूं। मैं आत्मा हूं, शरीर बदलता है, आत्मा बदलने वाली नहीं है। कल किसी का 25 साल उम्र था तो आज 25 साल एक दिन हो गया। हम आप खुश होते हैं कि हमारा आपका उम्र बढ़ गया, हमारा आपका उम्र बढ़ा नहीं, अब नजदीक आ गया। जिस किनारे पे लगना है वो नजदीक आ रहे हैं। अब यदु ने दत्तात्रेय के चरणों में यदु ने बार बार प्रणाम किया और वहां से चले गए। भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव संत के जो लक्षण है वो मैंने तुम्हें बता दिया। फिर कहा देखो चारों युगों में चतुर्युग मैं हूं और चारों वेदों में शाम वेद मैं हूं, अक्षरों में ओम मैं हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी को, और ओंकार मंत्रों में ओंकार मैं हूं, गायों में हर्षवर्धनी मैं हूं। किसी भी मंत्र का शुद्धि तब होता है ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। बिना ओम का कोई मंत्र, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम्, ओम गणेशाय नमः, ओम जानकी वल्लभो विद्यते तराम, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, ओम के बिना शुद्धि ही नहीं होता है और ओंकार मैं ही हूं। हाथियों में मैं एरावत हूं, जितने भी धातु है उसमें कंचन सोना मैं ही हूं। और हे उद्धव, मनियों में पद्मराग नाम की मणि मैं हूं, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूं और बृहस्पतियों में ब्रह्मनिष्ठों में मैं हूं, पुरोहितों में वशिष्ठ पुरोहित मैं हूं और भक्तों में प्रहलाद असुर मैं हूं, प्रेमियों में मैं अर्जुन हूं, मनुओं में स्वयंभू मनु हूं, स्त्रियों में 70 रूपा हूं। ज्ञानी भक्तों में उद्धव तुम जो हो मैं ही। उद्धव सुना क्या,
सुनने के बाद उसका चिंतन करो। मैं आज पुनः तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये संसार एक वहम है। मोहन सा जग शोभ निहारा, देखे स्वर्पण अनेक प्रकार। हम जो स्वप्न देखते हैं वो क्या सत्य है? वो सत्य होता नहीं है। उत्तम ये संसार सपना है, सत्य तो केवल मेरा नाम है, आत्मा सत्य है, बाकी सब झूठा है। इसलिए सत्य के द्वारा सत्य को पहचानो, इनका चिंतन तुम बद्रीनाथ धाम जाकर करो। भगवान उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं। कब? अब भगवान परमधाम जाने को तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां से उनको सूचना हुई थी कि जिस हेतु आप आए हैं वो हेतु पूरा हो गया। इतना कहकर भगवान मौन हो गए। यदि वंशियों की इधर बुद्धि बिगड़ गई, क्योंकि श्राप है। जाको प्रभो दारुण दुख देही, ताकि मते पहले हरे। जिनको भगवान को कष्ट देना रहता है उनके मति को हर लेते हैं। तो अब यदि वंशियों को भगवान को कष्ट देना, परमात्मा जिसको तकलीफ देते हैं उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। यदुवंशी एक दूसरे पे अपने में ही लड़ने लगे, क्योंकि श्राप है ऋषियों का। धनुष बाण चलाने लगे, और इतना ही नहीं, जब पाप आ जाता है तो अपने पाप को भी नहीं पहचानता। कृष्ण बलराम पहले ही उपदेश कर दिए थे कि तुम लोग राजकुमार हो, तुझे अच्छा से रहना चाहिए। बलराम के तरफ भी यदुवंशी दौड़े, कृष्ण के तरफ भी दौड़े, तो कन्हैया ने बलराम से कहा कि भैया, अब देख रहे हो क्या समय आ गया है, अब यहाँ से हम लोग चले। कृष्ण और बलराम ऊंचे टीले टीले पे जाके बैठ गए। प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी भी प्रभास क्षेत्र में लड़ते लड़ते आए। जितने भी उनके पास में शस्त्र अस्त्र अग्नियास्त्र इत्यादि सब लड़ने में समाप्त हो गया, सारे शस्त्र समाप्त हो गए। लेकिन जो लोहे का मुसल यदुवंशियों ने पीस कर समुद्र में फेंका था, उनके चूर चूर्ण से जो घास बना था उसमें बहुत धार था, उसको खर पतवार कहते हैं। अभी भी अगर उसके बगल से आप चलेंगे लग जाएगा तो कट जाएगा, अभी भी वो नदी के किनारे होता है। अब उसी से सब लड़ने लगे। मेरे प्रभु कृष्ण प्रभास क्षेत्र में जब ये सब स्थिति को देखे तो भगवान प्रभास क्षेत्र में चले गए। वो जब आप द्वारिका जाएंगे तो वहां से आपको प्रभास क्षेत्र का ऑटो बस सब जाती है, जहां से भगवान परमधाम को गए। मेरे प्रभु प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे दाहिने जांघ पर बाएं चरण को रखकर अर्ध सहना अवस्था में थे। बहेलिया उसी वन में घूम रहा था, और उस बहेली ने देखा भगवान का जो लाल लाल तलवा था, तो सोचा कि ये जो है हमारा शिकार है, हीरा। अब बहेलिया क्या किया, वहां एक बाण गंगा है, वहां से खड़े होके बाण का संधान, क्योंकि खाली चरण को ही देखा। और बाण का संधान कर दिया, और जैसे ही वो बाण गोविंद को लगा, बहेलिया दौड़ के गोविंद के पास पहुंचा। पहले तो पहुंचा कि हमारा शिकार है। जब वहां सामने जाता है तो भगवान के चरणों में गिर जाता है कि प्रभु
हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो, हम पापी हैं, आप मुझे क्षमा कर दो, मैंने कितना बड़ा अपराध किया है, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड मिलना चाहिए। सापाकार भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनं सदृशं पद्मनाभं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव भुजं शयनं पद्मनाभंसुरेश्वरं विश्वाधारगगनसदृशं मेघवृन्दं करारबिन्देन पदारबिन्दं मुखा पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरणं। आज हमारे परमात्मा छोड़ के जीव को तो मन में मोह है ना, परमात्मा कभी जाते आते नहीं है, लेकिन हमारा आपका जो मोह है उनके उन सुंदर स्वरूप से जो मोह था, उनका जो कान में कुंडल थी, सर पे जो मुकुट था, हाथ में जो बांसुरी थी, जिसका स्वर नाद करने से सब गोपियां आ जाती थी और सभी गौ माता एक जगह आ जाती थी। तो ये भगवान को देख प्रकार से क्षमा मांगा। प्रभु ने बहन क्या को कहते हैं कि चिंता मत करो, ये तुम्हारा पीछे जन्म का कर्ज था जो आज पूर्ण हुआ, सब मेरे ही गतिमती से होता। त्रेता में मैंने तुम पे बाण चलाया था, सुग्रीव का पक्ष लेके तुम बाली थे, मैं बड़ी सुग्रीव रीब प्यारा के ही कारण नाथ मोहि मारा, मैं बहरी सुगर रीब प्यारा के ही कारण नाथ मोहि कारण हाथ हो।
दुश्मनी थी, लेकिन आपने किस कारण मार दिया तो भगवान को श्राप दे दिए थे, इसी प्रकार मैं भी आपको मारूंगा। इतने में वहां अर्जुन आ गए, देखकर कहा कि प्रभु ये बाण आपके श्री चरणों में किसने मार दिया, किसने ये दुष्टता की, किसने ये दुस्साहस किया, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। प्रभु बोले अर्जुन तुम तो गांडीवधारी हो, परम प्रतापी हो, तुम द्वारिका जाओ और द्वारिका में जितनी हमारी पत्नियां हैं उन्हें सीधा वृंदावन पहुंचा दो और उन शव को ले जाके ले जाओ। वो शव कुछ दिन किशोरी राधा जी के चरणों में बास करे तो उनका कल्याण होगा। राधा जी के चरणों में डाल दो, ऐसा लगन लगा दो उनको कि जिस तरह कलयुग में मीरा जी को लगन लगा था। जैसा कलयुग में मीरा जी को लगा था ऐसी लागी रे लगन मीरा हो गई मगन। आइए इस भजन को हम लोग डीएम तिवारी जी के माध्यम से सुनते हैं। Thank you.
Thank you.
प्रीति में भक्ति काना की भक्ति जब मिल जाए ये जग तो प्यारा सृष्टि ही है। कभी ना क्या सुनकर बोला कि ये और क्या कार्य जैसे भाव को रखेंगे तो ठाकुर जी आज भी हमारे आपके साथ रहेंगे, हर समय रहेंगे। प्रेम करना पड़ता है पड़ेगा तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन अब तो हमारे पत्नियों को ले जाके राधा जी के चरणों में डाल दो, कुछ दिन वहां राधा जी का सेवा करेंगे। अब अर्जुन 16,000